Hello everyone, myself Rajesh Kumar Verma, lecturer civil engineering at Gwpc Bharatpur. Last video में हमने discuss किया था slope and deflection के बारे में. हमने जाना कि slope क्या होता है, deflection क्या होता है, एक beam का diagram बना के हमने उसको समझा था. आज हम पढ़ेंगे कि जो बीम में स्लोप एंड डिफ्लेक्शन आता है उसको मेजर कैसे करेंगे, उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, और हम कैलकुलेट करने के लिए कौन कौन से मेथड्स यूज़ करते हैं, उन मेथड्स की स्टडी आज हम इस वीडियो में करेंगे. सबसे पहले हम पढ़ेंगे डबल इंटीग्रेशन मेथड. देखिए, डबल इंटीग्रेशन मेथड बेसिकली होता क्या है. दिस मेथड इज यूज फॉर to calculate slope and deflection in a beam. Generally, it is used for point load UDL, not used for multiple load. देखिए, double integration method किस काम आता है? Slope and deflection calculate करने के काम आता है. ये point load के लिए, UDL के लिए है, लेकिन इसमें क्या है, multiple load के लिए ये काम में नहीं आता है. कहने का मतलब, जैसे दो तीन पॉइंट लोड लगा रखे हैं या पॉइंट लोड के साथ में यूडीएल लगा रखा है, तो ये केस हो जाएगा मल्टीपल लोड का, मतलब एक साथ कई सारे लोड. तो इस स्थिति में हम इस मेथड का यूज नहीं कर सकते हैं. देखो, जब हम इस मेथड से कैलकुलेट करते हैं स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, तो हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन यूज करते हैं, और जो कि इलास्टिक कर्व के लिए वैलिड है. इलास्टिक कर्व है, हम मैंने जब लास्ट वीडियो में डिस्कस किया तब आपको बताया था कि इलास्टिक कर्व का मतलब बीम डिफ्लेक्ट हो जाएगी अंडर द लोड. जब हम लोड रिमूव कर लेंगे, हटा लेंगे, तो वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगी. इसको कहेंगे हम इलास्टिक कर्व, जिसके लिए ये जो इक्वेशन है वो इलास्टिक कर्व के लिए डिफाइन करी गई है, जिसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते. देखो, ये क्या है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम अपॉन ई आई, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, प्लस माइनस ई आई डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम. प्लस माइनस क्या है, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा. देखिए, सबसे मैं इसके ये ई आई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एम, ये क्या क्या है, देखिए नीचे एम है मोमेंट अबाउट सेक्शन. जो भी हम बीम का सेक्शन लेंगे, उस सेक्शन के अबाउट जो मोमेंट आएगा वो एम है, ठीक है. इसके अलावा ई आई क्या है, फ्लेक्जरल रिजिडिटी ऑफ बीम. फ्लेक्जरल रिजिडिटी ऑफ बीम से क्या मीनिंग है, कि रेजिस्टेंस अंडर गोइंग टू बेंडिंग. जब बीम अंडर द लोड बेंड हो रहा है, तो कितना उस बेंडिंग को रजिस्ट कर पा रहा है, उसको हम बोलेंगे, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं फ्लेक्जरल रिजिडिटी ऑफ बीम, जिसको हम ई आई से डिनोट करते हैं. वैसे ई आपको पता है कि ई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, आई मोमेंट ऑफ इनर्सिया है. नीचे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, यानी वन अपॉन आर है. तो ये तो फॉर्मूला हो गया जो हम डबल इंटीग्रेशन मेथड में स्लोप एंड डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं. जब हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के लिए, तो क्या एक प्रोसीजर है, क्या क्या स्टेप हम इस मेथड में यूज करते हैं, वो देखिए. देखो, डिफरेंट स्टेप्स टू फाइंड स्लोप एंड डिफ्लेक्शन बाय डबल इंटीग्रेशन मेथड. देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये लिखेंगे, जो कि क्या है, ई आई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम एक्स एक्स, ठीक है. देखिए, यहाँ पर प्लस माइनस दिया हुआ है, आप प्लस लेंगे तो भी सही है, माइनस लेंगे तो भी सही है. देखो, इसका क्या मीनिंग है, प्लस लेने का क्या मतलब है, कि हम जो डिफ्लेक्शन है वो वाई डायरेक्शन में अपवर्ड ऊपर की ओर पॉजिटिव मान रहे हैं. देखिए, प्लस कब लेना है, जब ये एक्स के कोऑर्डिनेट है अपना, ये वाई कोऑर्डिनेट है. जो वाई कोऑर्डिनेट में डिफ्लेक्शन आएगा ऊपर की ओर, उसको यदि हम पॉजिटिव ले रहे हैं, तो यहां पर पॉजिटिव साइन आएगा, मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ, ठीक है. यदि हम नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ डिफ्लेक्शन, मतलब एक्स एक्सिस से नीचे की ओर डिफ्लेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं, यानी नीचे वाले को पॉजिटिव मान के चल रहे हैं हम डिफ्लेक्शन को, तो इस फॉर्मूले में हम नेगेटिव साइन लेंगे, ठीक है. प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ये डिफ्लेक्शन के लिए प्लस माइनस का साइन है, ठीक है.
इसके बाद ये इक्वेशन लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे ई आई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम एक्स एक्स। देखो एम एक्स एक्स का मतलब मैंने बता दिया कि कोई भी एक्स सेक्शन है उसके अबाउट अपने को मोमेंट जो भी आएगा वो लिखना है। इसके बाद क्या करेंगे दूसरे स्टेप में, जो ऊपर वाला इक्वेशन नंबर वन है इसको इंटीग्रेट करेंगे। देखो इंटीग्रेट कैसे कर रहे हैं, ई आई इंटीग्रेशन ऑफ ई आई कॉन्स्टेंट है, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी है, इंटीग्रेशन ऑफ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम एक्स एक्स, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ एम एक्स एक्स। तो क्या आएगा ई आई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एम एक्स एक्स प्लस सी वन। सी वन क्या है, इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट है। अब यहां पर देखो डी वाई बाई डी एक्स इसको शो कर रहा है, स्लोप को शो कर रहा है या थीटा को शो कर रहा है। अब यहां पर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो एम एक्स एक्स दो मोमेंट एक्स एक्सिस के अबाउट या जो सेक्शन है एक्स एक्सिस जो सेक्शन लिया उसके अबाउट मोमेंट है। सी वन क्या है, इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बाउंड्री कंडीशन बताई थी तो हम स्लोप की बाउंड्री कंडीशन यूज करेंगे सी वन को कैलकुलेट करने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि फिक्स एंड यदि है तो वहां पर स्लोप एंड डिफ्लेक्शन क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो यहां पर जैसे हम डी वाई बाई डी एक्स है स्लोप है वो जीरो हो जाएगा और जिस डिस्टेंस पर जैसे हमने सेक्शन लिया एक्स इक्वल टू जो भी डिस्टेंस पर ये पॉजिटिव नेगेटिव या फिर जीरो आ रहा है तो वहां से हम क्या करेंगे बाउंड्री कंडीशन के थ्रू सी वन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, बाउंड्री कंडीशन लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस की थी और हम जब प्रॉब्लम